बर्दाश्त के कानों से सुनो, प्रेम की आंखों से देखो, मोहब्बत की ज़बान से बात करो। जो चीज़ मैं चाहता हूँ वो भी मुझे ढूंढ रही है और मुझे अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहे हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा राज है हर उस शख्स के लिए जो उसे समझ सकता है। हम जितना पुरसकून होते हैं इतना ही ज़्यादा सुन सकते हैं। तुम्हारी सारी परेशानियाँ तुम्हारी ख्वाहिश की वजह से हैं। ख्वाहिश छोड़ दो, तुम्हें सुकून मिलेगा। अपनी तकलीफ़ में गुम न हो, जान लो कि एक दिन आपका दर्द आपका इलाज बन जाएगा। सब्र करो, जहाँ तुम अंधेरे में बैठे हो वहाँ सुबह होने वाली है। जानने का फ़न ये जानना है कि किस चीज़ को नज़रअंदाज करना है। अपने दिल में मिठास तलाश करो, फिर तुम्हें हर दिल में मिठास मिलेगी। रास्ते पर चलना शुरू करते ही रास्ता नज़र आने लगता है। अपने आप को अपने ख्यालात से बचाओ। अपनी ज़रूरियात के लिए दूसरों की तरफ मत देखो। जिसने तुम्हें पैदा किया वो तुम्हारी ज़रूरियात भी पूरी करेगा। कभी भी किसी खुशी के जाने पर गम न करो जो हमेशा के लिए चली गई है, क्योंकि ये आपके पास किसी और शक्ल में वापस आएगी, ये यकीनी तौर पर जान लें। जब कोई आप पर तनकीद करता है या आपसे इख्तलाफ करता है तो आपके दिल में नफ़रत की एक छोटी सी चिमटी जन्म लेती है। अगर आप उस चिमटी को एकदम नहीं मारते तो वो सांप बन सकता है। आपका रास्ता अकेले का है, दूसरे आपके साथ उस पर चल सकते हैं लेकिन आपके लिए उस पर कोई नहीं चलता। जो चीज़ आपके पास नहीं आती उस पर गम न करें। कुछ चीज़ें जो आप चाहते हैं नहीं आई वो आफात को आने से रोकती हैं। एक मोमबत्ती दूसरी मोमबत्ती को रोशन करते हुए कभी अपनी रोशनी नहीं खोती। अगर आप किसी ऐसे दोस्त की तलाश में हैं जो बेऐब है तो आप हमेशा दोस्त के बगैर होंगे। जब मोहब्बत कबूल न हो तो आगे बढ़ें, जब मोहब्बत की तारीफ न की जाए तो चले जाओ। उम्मीद है कि वक्त उस शख्स को सिखाएगा कि हकीकी और सच्ची मोहब्बत क्या है। मेरे प्यारे दिल, कभी भी अपने आप को दूसरों से बेहतर मत समझो। उनके दुख दर्द को हमदर्दी के साथ सुनो। अगर तुम सुकून चाहते हो तो किसी के बारे में बुरे ख्यालात न रखो। आप जो नहीं जानते उसे दूसरों को न सिखाएं। जब मैं किसी चीज़ के पीछे भागता हूँ तो मैं गम और परेशानियों का सामना करता हूँ। अगर मैं अपने सब्र की जगह पर बैठूं तो मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मेरे पास खुद आएगी, किसी दर्द के बगैर। अगर आपको ज़िंदगी का राज मालूम होता तो आप भी मोहब्बत के सिवा किसी और साथी का इंतखाब न करते। आप परों के साथ पैदा हुए हैं, आप रेंगने के लिए नहीं हैं। आपके पास पंख हैं, उन्हें इस्तेमाल करना और उड़ना सीखो। जब आप एक मुश्किल दौर से गुज़रते हैं, जब हर चीज़ आपकी मुखालफत करने लगती है, जब आप महसूस करते हैं कि आप एक मिनट और बर्दाश्त नहीं कर सकते तो हिम्मत ना हारें, क्योंकि ये वो वक्त और जगह है जहाँ रास्ता ज़रूर बदलेगा। रात की तरह बनो, जो दूसरों के ऐब छुपाने के लिए होती है।
सखावत के लिए बहते पानी की तरह बनो, गुस्से के लिए मौत की तरह बने, हया के लिए ज़मीन की तरह बनो, जैसे तुम हो वैसे ही दूसरों के सामने ज़ाहिर हो। अगर आप सिर्फ पैसा चाहते हैं तो आपको ख़रीदा और बेचा जाएगा। अगर आपको खाने का लालच है तो आप एक रोटी बन जाएंगे। ये एक हकीकत है, आप जिस चीज़ से प्यार करते हैं आप वही बन जाते हैं। हमेशा याद रखें कि आप अपने यकीन से ज़्यादा बहादुर हैं और अपने तसव्वुर से दुगना खूबसूरत हैं। आपको अपना दिल तोड़ते रहना है जब तक कि ये खुल न जाए। हासिल करने के बाद शुक्रिया अदा करना आसान है। आप जो चाहते हो उसे हासिल करने से पहले शुक्रगुजार रहें। उदास दोस्त को साथ देर तक मत बैठो। जब आप बाग में जाते हैं तो क्या आप झाड़ियों को देखते हैं? तन्हा महसूस न करो, सारी कायनात तुम्हारे अंदर है। आप जिस चीज़ की तलाश करते हैं उससे आप अपनी कदर ज़ाहिर करते हैं। शुक्र को चादर की तरह पहनो और ये आपकी ज़िंदगी के हर कोने को छुपाएगा। हर दरख्त जो आप होते हैं वो फल देगा। लिहाजा अगर आपको एहसास है मेरे दोस्त, तो मोहब्बत के सवाल कुछ न होता। कल चला गया और उसकी कहानी भी ख़त्म। आज हमें फिर से एक नई कहानी जीना है। अगर इस दुनिया में कोई चीज़ आपको खुश करती है, आपको सोचना चाहिए कि अगर वो चीज़ छीन ली गई तो आपका क्या बनेगा। सब्र करो, चाहे हर दरवाज़ा बंद ही क्यों ना हो। मैं आपके पास मेरे बग़ैर आया हूँ, आप खुद के बग़ैर मेरे पास आ जाना। आप जिस चीज़ की तलाश करते हैं पहले से ही आपके अंदर है। खामोश रहें और सुने। अपनी ज़िंदगी के लिए शुक्रगुजार बनो और आपका चेहरा सूरज की तरह चमकेगा और हर कोई जो इसे देखेगा खुश होगा। चराग मुख्तलिफ है लेकिन रोशनी एक ही है। बहुत सी खराबियां आप दूसरों में देखते हैं, क्या आपकी अपनी फितरत उनमें झलकती है? अलविदा सिर्फ उनके लिए है जो आँखों से प्यार करते हैं, क्योंकि जो दिलो जान से प्यार करते हैं उनके लिए अलविदा नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जिसका अच्छा दोस्त हो उसे आईने की ज़रूरत नहीं होती। ज़िंदगी पकड़ने और छोड़ने का नाम है। जब आप पुरअमन खुशी महसूस करते हैं तभी आप सच्चाई के करीब होते हैं। मैं अपने दोस्तों से ना तो अपने दिल से प्यार करता हूँ और न ही अपने दिमाग से दिल रुक सकता है, दिमाग भूल सकता है। मैं उन्हें अपनी रूह से प्यार करता हूँ। रूह कभी नहीं रुकती और ना भूलती है। तुम्हारे साथ जो भी हो जाए मायूस मत हो, चाहे सारे दरवाजे बंद हो जाएं। तुम्हारे लिए एक खुफिया रास्ता है जो किसी को मालूम नहीं है। तुम उसे अभी नहीं देख सकते। आप सिर्फ शुक्रगुजार रहें।